मैथमेटिक्स एंड ठीक गणितीय संकेत ठीक चिन्ह हिंदी नाम अंग्रेजी नाम ठीक। तो पहला हमारा प्लस, प्लस यानी जोड़, जोड़ जोड़ना संकलन ठीक। अंग्रेजी में क्या होगा सम एडिशन प्लस ये बोलते हैं ठीक। फिर इसके बाद है घटाना ठीक, ये माइनस ये क्या चिन्ह घटाने का चिन्ह है वैकलन घटाना ठीक, माइनस भी बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ठीक। तीसरा है हमारा गुणा यानी गुणा, गुणे का निशान क्रॉस होता है ठीक, गुणे का निशान क्रॉस होता है गुणा। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इंग्लिश में ठीक। फिर है भाग, भाग का चिन्ह है भाग ठीक, भाग को क्या बोलते हैं डिवीजन। फिर हमारा है इसलिए, जब इस तरह के थ्री डॉट होती हैं वो ठीक, इसलिए, इसलिए की हिंदी इंग्लिश होती है देयरफॉर, क्या बोलते हैं देयरफॉर। फिर है पहले क्या होता है इसलिए में, जैसे ऊपर एक बिंदी होगी नीचे दो होंगी ठीक, लेकिन क्योंकि या चूंकि में जो होता है दो ऊपर होंगी एक नीचे होगी यानी पलट जाएगा। तो इसलिए से पलट, पलटने पर क्या होता है क्योंकि और चूंकि ठीक, तो इस तरह होता है ठीक, जिसको हम बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज और सिंस ठीक। ये क्या प्रत ठीक, प्रत होता है प्रत माने पर ठीक, ये चिन्ह होता है, ये हमारा परसेंटेज का ठीक, परसेंटेज का ठीक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत हिंदी में और प्रति सैकड़ा यानी सौ में सौ, तो प्रति सैकड़ा यानी सौ ठीक, परसेंटेज बोलते हैं और परसेंट बोलते हैं, परसेंटेज और परसेंट। और फिर इसके बाद है जैसे कि, जो सेमी कॉलन होता है सेमी कॉलन ठीक, या फिर हम और भी बोलते हैं ठीक, जैसे कि सच दैट, क्या होता है सच दैट, अगर इस तरह की सीधी बिंदी दिखे ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह की दो बिंदी होती है उनको बोलते हैं अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। जैसे हम आपसे बोले पाँच रेशियो टू, तो फाइव रेशियो टू ठीक, इस तरह होता है ठीक। और अगर दो बार यानी दो बिंदी इस तरह भी है इस तरह भी है ठीक, दो दो, तो इस प्रकार बोलते हैं क्या, इस प्रकार, जैसे यहाँ फाइव लिया टू एंड टू और टू लिया, तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रकार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं सच दैट और रेशियो ठीक। उसके बाद आता है हमारा प्लस, प्लस और माइनस ठीक, इस तरह के चीज इनको क्या बोला जाता है जोड़ अथवा घटाना, तो जोड़ अथवा घटाना ठीक, तो जोड़ मतलब प्लस घटाना मतलब माइनस ठीक। फिर इसके बाद आता है दिन, इसको फिर उल्टा देंगे ठीक, तो माइनस ऊपर आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा, तो घटाओ अथवा जोड़ ठीक, तो माइनस और प्लस। फिर आता है बराबर, बराबर दो बार अगर बराबर बराबर निशान लगे हैं तो उसको क्या बराबर का चिन्ह बोलते हैं ठीक, तो बराबर है यानी इक्वल टू, जैसे आप सकें फाइव इक्वल टू फाइव, तो ये दोनों क्या है बराबर हैं ठीक। उसके बाद आता है हम कोई लाइन ऐसे कर दे काट रही है, तो इसका मतलब क्या होता है बराबर नहीं है ठीक, तो नॉट इक्वल टू, जैसे सिक्स बाई फाइव ठीक, तो क्या सिक्स और फाइव बराबर है, नहीं है बराबर, तो क्या है नॉट इक्वल टू। फिर उसके बाद आता है अगर इस तरह के जिसका मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है बड़ी होती है, और जिसका मुंह बंद होता है उस वह संख्या क्या होती है छोटी होती है, तो ये से बड़ा है यानी ग्रेटर, ग्रेटर देन ठीक। जैसे आपसे कहेंगे सात फाइव, तो फाइव से सात क्या है बड़ा है, सात बड़ा है फाइव क्या है छोटा है ठीक। उसके बाद आता है अब इसका इस तरह निशान आ जाएगा, तो यानी मान लो यहाँ पे फाइव है यहाँ पे सात, फिर भी फाइव क्या है छोटा है सेवन क्या है बड़ा है, तो से छोटा है किससे छोटा है सात से, सात से छोटा है ये फाइव यानी फाइव से बड़ा है सात और सात से छोटा है फाइव ठीक, तो लेस देन ठीक, ठीक ग्रेटर होगा और बराबर का निशान लगा होगा ठीक, क्योंकि एक लाइन नीचे यानी बराबर है ठीक, यानी से बड़ा या बराबर है। जैसे मान लो कोई संख्या दिए ठीक, फाइव दिए ठीक, ग्रेटर भी है और चार मान लो दिए ठीक, क्या है से बड़ा है किससे चार से बड़ा है, बराबर है ये भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे हमने चार भी दे दिए
और करके फाइव कर दिए, ठीक। तो से बड़ा है यानी चार से बड़ा है, बराबर है यानी फाइव फाइव क्या है, बराबर है, ठीक। इसी तरह ये, ठीक, से छोटा या बराबर है, दो लाइन खींचे इसके मतलब ये चीज़ यहाँ पे आई, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे आई, ठीक। से छोटा है या बराबर है, ठीक, कैसे समझो। मान लो हमने यहाँ पर फाइव लिया, ठीक, और यहाँ पे छः लिया, ठीक। सात से छः से छोटा है, से छोटा है और बराबर है। मान लो यहाँ यहाँ भी सिक्स कर दिए तो क्या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आता है ये यानी ग्रेटर, ग्रेटर देन में अगर जैसे हम इक्वल में बताए थे, ठीक, तो नॉट यानी कोई लाइन काट दी तो क्या बराबर नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या है, से बड़ा नहीं है, ठीक, तो नॉट ग्रेटर देन। जैसे मान लो सात पाँच दिए, ठीक, और ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे हमने सिक्स लिख दी। तो अब बताओ जिसका मुँह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसका मुँह बंद होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। मगर इसमें क्या है, फाइव जो है छोटा है किससे, छः से, तो ये क्या है, नॉट ग्रेटर है यानी बड़ा नहीं है, ठीक। इसी तरह से छोटा नहीं है तो इसमें क्या होगा, ठीक। अब बताओ सात से बड़ा है क्योंकि आठ क्या है, बड़ा है यानी छोटा नहीं है, किससे, सात से। आठ से ये क्या है, छोटा है, मगर सात से क्या है, बड़ा है, ठीक। तो ये क्या, नौ, इससे छोटा नहीं है, सात से छोटा नहीं है, ठीक। फिर हमारा आता है कोण यानी कोण, ठीक, कोण तो यानी एंगल, ठीक। फिर क्या आता है, अगर एंगल में एस लग जाए तो क्या हो गया, कोणे, कोणों यानी एक से ज़्यादा एंगल हैं, ठीक, तो एंगल्स हो जाएगा, ठीक। अब आता है अगर इस तरह, ठीक, इस तरह लंब, तो इसको क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब, लंब माने परपेंडिकुलर यानी किसके परपेंडिकुलर है, ठीक। अब आता है अगर इस तरह का निशान लग जाए, ठीक, इसको बोलते हैं सम यानी समकोण का निशान है, ठीक, तो क्या बोलते हैं, समकोण यानी राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जैसे ये, ठीक, तो ये क्या हमारा राइट एंगल है। अब हमने क्या बताया था, कोण, ठीक, क्या बताया था, कोण, तो ये कितने एंगल का है, 90 डिग्री का, मान लो 90 डिग्री का, तो ये क्या है हमारा, समकोण है, जबरदस्त, तो एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री, तो एक से ज़्यादा है, ठीक। और भी मान लो इसी प्रकार ले लिए, मान लो 30, ठीक, तो दो एंगल हैं, तो कोण हो गए, एक से ज़्यादा कोण है।